नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर बंडा के पटवारी संघ ने पटवारी संघ अध्यक्ष एलआर प्रजापति सचिव प्रमोद कुमार जैन के नेतृत्व में लंबित मांगों के निराकरण कर आदेश प्रसारित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम तहसीलदार संजय दुबे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख है कि पटवारी संवर्ग निरंतर किसानों एवं शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। शासन की अधिकांश योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहा है। अल्प साधनों के बावजूद मध्य प्रदेश पटवारी शासन व किसान हित के प्रति दृढ़ संकल्प है। विभिन्न प्रकार के तकनीकी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, TSM मशीन, तकनीकी उपकरणों से विभागीय कार्य संपादित कर रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांग पटवारियों को 2800 पे ग्रेड करते हुए समयमान विसंगति दूर की जाए, गृह जिले में पदस्थापना की जाए, नवीन पटवारियों की CPCT की अनिवार्यता समाप्त की जाए, मांगे पूर्ण नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। बंडा रिपोर्टर टीकाराम साहू। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के क्रांति आह्वान पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारी मांगों का निराकरण न किए जाने के कारण ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया। तो ये प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग है, सबसे पहले तो जो है 2800 का पे ग्रेड किया जाए और सभी पटवारियों की गृह जिले में स्थापना की जाए। वो कुछ नवीन पटवारियों के लिए CPCT की अनिवार्यता है, उसको समाप्त कर दिया जाए।